आज के भाग में हम कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक वसंत में दिए गए पाठ 15 नौकर निबंध को पढ़ेंगे। लेखक अनुबंधोपाध्याय। इस पाठ में यह बताया गया है कि साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी का जीवन किस प्रकार का था और उनके जीवन में कुछ ऐसी प्रमुख घटनाएं हुई हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए या जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले तो चर्चा करते हैं इस निबंध के शीर्षक के विषय में, जिसका नाम है नौकर। नौकर शब्द दिमाग में आते ही हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम उसके श्रम के बदले या उसके काम के बदले में कुछ पैसा या कोई भी वस्तु देते हैं और ऐसे मानते हैं कि वो व्यक्ति वहां पर हमारी सेवा करने के लिए है। लेकिन महात्मा गांधी ऐसा बिल्कुल नहीं समझते थे। वे कहते थे कि इंसान को अपना नौकर स्वयं होना चाहिए, अर्थात हमें अपना हर काम खुद करना चाहिए बजाय इसके कि हम किसी दूसरे से उस काम को करवाएं। जब तक कि हमारे शरीर में कोई लाचारी ना हो, अर्थात कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम किसी काम को कर ही ना सकें, तब तक हमें अपने हर काम को खुद करना चाहिए और जहां तक हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, ना कि उनसे अपनी मदद या अपनी सेवा करवानी चाहिए। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर जाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे पीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। कॉपीन धारी अर्थात लंगोट पहनते थे ना गांधी जी, तो उसको कॉपीन भी कहते हैं। कॉपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज पीसते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बाबू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बाबू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात तार दी और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। एक घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांग कर चल दिए। पहले पद में हमें क्या बताया गया है? पहले पद में हमें यही बताया गया है कि महात्मा गांधी जिस समय बैरिस्ट्री यानी वकालत, वकील थे महात्मा गांधी, तो वकालत से वे हजारों रुपए कमाते थे, लेकिन फिर भी आटा पीसने जैसा छोटा काम भी वो स्वयं करते थे। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने आटा पिसवाने का काम जारी रखा और आश्रम के लिए जब आटा कम पड़ जाता था तो आटा पिसवाने के लिए वे स्वयं भी कर्मचारियों की मदद करते थे। उन्हें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं लगता था और बाहर के लोगों के सामने शारीरिक श्रम अर्थात मेहनत के काम करने में भी उन्हें कोई शर्म नहीं आती। एक बार कॉलेज के कुछ छात्र उनसे मिलने आए जिन्हें इस बात पे बहुत गर्व था कि उन्हें अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है। जब उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा कि आपके पास अगर हमारे लायक कोई काम हो तो हमें बता दीजिए, महात्मा गांधी समझ गए कि इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है। उन्होंने उन्हें लिखने पढ़ने के काम की जगह गेहूं बीनने का काम दे दिया और उस काम को करते करते जब वे थक गए तो चुपचाप गांधी जी से विदा लेकर चले गए। फिर आगे लिखा है, कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेने का अर्थ होता है नाराज होना। उन्हें सब्जी फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए।
गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए।